तो मूवीज तो हम सभी को पसंद है और बॉलीवुड मूवीज देख देख कर हम सभी बड़े हुए हैं। बट एज एन एडिटर मैं मूवीज को अलग नजर से देखता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने फेवरेट बॉलीवुड मूवी के सीन्स पर रिएक्ट करने वाला हूँ। कमाल यार, बहुत प्यारा सीन है भाई। तो अगर आप एक वीडियो एडिटर हो या जनरली आपको मूवीज पसंद है तो आई एम श्योर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो सबसे पहला सीन हम देखने वाले हैं, ये वन ऑफ माय फेवरेट सीन है फ्रॉम बॉलीवुड मूवीज। यहाँ है तो यहाँ भी कुछ रिटर्न के लिए प्रॉपर्टीज देख लो। वरना मैं ब्रोकर को बोलता हूँ अपने। हाँ, मैं बताता हूँ। अपना फोन बंद करो पहले। यहाँ ध्यान दो। हाँ, और वहाँ एमसील लगा। क्या हो गया? और ये वाले लीक को कौन देखेगा? अरे वही देखेगा, उसको आता है, पैसे ले रहा है, फ्री में नहीं कर रहा, कर लेगा वो। बाल्टी भर गई है। मालूम है बाल्टी भर गई है। तो अभी आप देख रहे हो कि शुरू में ठीक है, सारे सीन्स थोड़े थोड़े लंबे हैं, ज्यादा भी लंबे नहीं है। बट अभी आप थोड़ी आगे चलकर देखना ये सीन कितना केओटिक हो जाएगा और सब एक साथ बोल रहे होंगे, इसी वजह से ये मेरा फेवरेट है। अभी आप देखो पूरा। उतारो उसको नीचे, सोफा पे नहीं, उतारो। अर्जुन, डॉक्टर का फोन है, जरा बाल्टी खाली कर दे इधर। डैड, मैं गीशु को बाहर लेके जा रहा हूं। वन सेकंड। अर्जुन तू भी बिजनेस कर लो यार। मां ने बोला। डैड मैं आ रहा हूं, छोड़ दो। कम जी, सॉरी कल, ओके। देख रहे हो एक साथ कितनी सारी चीजें हो रही हैं और कितनी ज्यादा इंटर कटिंग है यहाँ पर। जब आप देखोगे ये पूरे सीन में यहाँ पर कितनी जल्दी जल्दी कटिंग हुई है, मतलब शॉट्स कितनी जल्दी जल्दी चेंज हुए हैं। अभी ये और क्योटिक होगा, ये सिर्फ यहीं पर ही खत्म नहीं होगा। अभी आप देखो फिर से स्लो पेसिंग आ गई। दादा मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि दादू को बैंगलोर में ट्रीट करना चाहिए तो प्रॉब्लम क्या है? अरे इतना सिंपल नहीं है यार, अभी उनको स्टेंट्स लगे, मालूम है 7 लाख रुपया खर्चा आया। 7 लाख? तुम्हारा एडवांस आने वाला था, उसका क्या हुआ? फंस गई पेमेंट। आएगा बट इट्स जस्ट टेकिंग टाइम, बट डोंट वरी, मैं करता हूं कुछ। मैं अच्छा चीज, ये आपने देखा, ये रिएक्शन शॉट देखा आपने? थोड़ा सा मैं पीछे करता हूं इसको, यहां से देखो। जो हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड ने कुछ बोला और वाइफ का रिएक्शन देखा आपने? ये छोटी छोटी चीजें एडिट में आपको करनी होती है। 7 लाख? तुम्हारा एडवांस आने वाला था, उसका क्या हुआ? फंस गई पेमेंट। आएगा बट इट्स जस्ट टेकिंग टाइम। ये देखा आपने रिएक्शन, मतलब डायलॉग उसका चल रहा है बट रिएक्शन इनका आ गया, मतलब पहले ही रिएक्शन आ गया। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कॉन्वर्सेशन वाले सीन में आपको ध्यान रखनी होती हैं। बट डोंट वरी, मैं करता हूं कुछ, मैं अच्छा चीज से बात करता हूं। बात बात पे छोटे भाई से पैसे मांगते हो, कुछ तो शर्म करो। आपने देखा अभी सब, इससे पहले सब क्लोजअप चल रहा था, यहाँ पर एकदम से ये वाइड आ गया। मैं अच्छा चीज से बात करता हूँ। बात बात पे छोटे भाई, ये हैंड का उन्हें शायद जेस्चर लेना होगा, ये उन्हें बढ़िया लग रहा होगा और तीनों को दिखाना होगा और जो उनका बेटा है उसको भी उस शॉट में दिखाना होगा। यहाँ पर मुझे लगता है ये एक वाइड एंगल लेना एक अच्छी चॉइस थी। ऐसे पैसे मांगते हो, कुछ तो शर्म करो। इसमें शर्म की क्या बात है, हम दोनों ही उनके बेटे ना। हाँ, लेकिन खर्चा तो वही उठाता है। और रहते कहाँ दादू, वो धेला नहीं करता है। लेट मी रिमाइंड यू, जब शशि कॉलेज गया था उसकी एजुकेशन के। ये आपने देखा, ये इस चीज के लिए वाइड एंगल उन्होंने यहाँ पर लिया था कि क्योंकि लड़के का आगे डायलॉग था, वो उनकी कॉन्वर्सेशन से तंग आ गया जो वो लड़ाई कर रहे हैं, तो इसीलिए ये आप देखोगे एक बीच में शॉट आता है जिसमें वो कुछ नहीं बोल रहा है, बस रिएक्शन दे रहा है ये वाला। हाँ, लेकिन खर्चा तो वही उठाता है। और रहते कहाँ दादू, वो धेला नहीं करता है। लेट मी रिमाइंड यू, जब शशि कॉलेज गया था उसकी एजुकेशन के पूरे पैसे योर्स फेथफुली हर्ष कपूर ने दिए थे। थैंक यू मां, डैड प्लीज, कोई जरूरत नहीं है। और ये टंकी वाला भी बेचारा दिखाना था, वो लगा हुआ है अपने ठीक कर रहा है। थैंक यू मां, डैड प्लीज, कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं, शशि से नहीं पैसे देंगे इस बार। पैसे कहाँ से आएंगे फिर? मेरी एफडी तोड़ दो। सर थोड़ा मदद करेंगे? आ रहा हूँ यार। नहीं, आप अपनी एफडी नहीं तोड़ो। अबे क्या हाल बना रखा तूने, क्या कर रखा तूने? मेरा शशि चाचा से मांग। नहीं नहीं नहीं, तू अपनी इन्वेस्टमेंट कर, इतने दिनों से बात कर रहा है। राहुल एक कपड़ा लेके आ, बड़ा सा लाया लाया। क्या प्यारा सीन है यार ये, इसीलिए ये वन ऑफ माय फेवरेट सीन है फ्रॉम बॉलीवुड। और जब मैंने 7 दिन का एक FTIM में कोर्स किया था वहां पर भी हमें ये सीन दिखाया था और उन लोगों का भी ये फेवरेट था। ये आप देख रहे हो इसमें कितनी चीजें एक साथ हो रही हैं, ऐसे सीन को एडिट करना एक चैलेंज भी है और मजा भी आता है कि सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी दिखानी है। उन्होंने सबसे पहले एस्टेब्लिश कर दिया शुरू में कि भैया वो टंकी वाला आया वो ठीक कर रहा है, फिर माँ बाप का अपना शुरू से एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था, फिर बच्चे हैं, तो ये कायोटिक बीच बीच में हो रहा है, फिर स्लो जा रहा है, फिर कायोटिक हो रहा है, तो ये ग्राफ की तरीके से है। एफडी तोड़ने में क्या दिक्कत है? अरे लोन का इंस्टॉलमेंट देना था, कहाँ से देता? तुम्हारे ख्याल केटरिंग बिजनेस से? ये मेरे पैसे थे यार राइट। 1 साल से मैं अपने बिजनेस के लिए मैं बचा रही थी। कहाँ से बचा रही थी? जो पैसे मैं तुम्हें घर चलाने दे रहा था उसी में से बचा दी थी ना। हाँ तो तुम्हारे पैसे कहाँ से हो गए? कहाँ खर्चा किया तुमने उसे? तुम्हारा बिजनेस तो ठप पड़ा हुआ है। अन्नू को क्या दिया तुमने? बकवास बंद करो एकदम, बकवास बंद। पकड़ इसको, पकड़ इसको, पागल हो गया ऐसी यार।
एक्टर्स की एक्टिंग भी देखो यार, एक्टर्स भी सपोर्ट करते हैं आपको एडिटिंग में यार, जब वो रिएक्शन देते हैं, कमाल है यार, बहुत प्यारा सीन है भाई। घर पे बैठ के मन गड़ा दूध पटांग खारियां बना देती है। डैड ये वाला फिर से देखो, यहाँ पर कितना केओटिक हो जाता है बीच में, ये वाला देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, अचानक अनु के पास नई वैगनर आ गई। स्मृति ने बताया मुझे, कहाँ से आए उसके पास इतने पैसे? मुझे क्या पता, आसमान से टपके। अरे टपकूंगी आसमान से, मैं क्या उसका अकाउंटेंट लगवाऊं? खड़ा जाने का क्यों? आउट, बिल्कुल नहीं, तुम अपना काम करो, खत्म करके जाओ। अभी उठ जाओ, उठ जा भी, प्लीज स्टॉप इट। बंद कर अपना ये फोन। क्या हो गया? सब मेरे बिना ही शुरू हो गए। मजाक मत कर, तू अपने कमरे में जा। देखा कितना कैओटिक हो गया। अब बीच में फिर से थोड़ा सा पॉज आया, मतलब बहुत ज्यादा स्लो नहीं हुआ है, थोड़ा सा स्लो हुआ है, फिर कैओटिक होगा। मैंने आप दोनों को बोला है ना कि मेरे पास पैसे, मैं इन्वेस्टमेंट बाद में कर लूंगा। पैसे? किसको पैसे चाहिए? Can you just stay out of it? अरे एक सेकंड, माँ से बात करो ना। तुम्हारे पापा ने मेरे सारे पैसे उड़ा दिए, अब चाचू से भीख मांगे। सुनीता बस, सुनीता बहुत हो गया, प्लीज। कितने पैसे चाहिए? अरे चुप करना यार। अर्जुन तुझे बोला है ना यार। इसका भी आर्ग्यूमेंट आएगा, आप देखना, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये कोई एमएनएम का पैकेट नहीं है जो जेब से निकाला, सब खुश हो गए। स्टे आउट ऑफ इट। क्या मतलब, तेरे पैसे पे जी रहा हूं क्या मैं? बस शट अप। सिक्योरिटी को रहा है, ध्यान देना अब यहां पर। ऑल ऑफ यू, मैं थक गई हूं तुम सब से, इससे अच्छी तो मैं टिमी के यहां थी। दैट्स अ लवली आईडिया सुनीता, यू नो व्हाट, पिछली दफा 2 महीने के लिए गई थी, इस बार 6 महीने के लिए चले जा। डैड चिल्लाना बंद करो, बताओ की प्रॉब्लम क्या है। अर्जुन डू मी अ फेवर, तू खाली अपने प्रॉब्लम संभाल यार, आप हर बार तो मुझे ताने क्यों मारते हो? ताना नहीं मार रहा हूं, बस समझ ले बात को। हो गया सर। ये आपने देखा है कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कॉन्वर्सेशन सीन ज्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, एक दूसरे की बात समझ में आए। हाँ वो पार्ट ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, चारों कैरेक्टर्स के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आर्ग्यूमेंट फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो उसके हिसाब से इंटरकटिंग की गई है सीन्स की। आप ये चीज देखो, और वो चीज महसूस होनी चाहिए व्यूअर को। अब मुझे ये चीज इतनी ज्यादा इंटरकटिंग देखकर, एक बार इसका रिएक्शन शॉट आ रहा है, वो बोल रहा है, फिर उसका ओवरलैप कर रहा है, इससे मुझे ये फील हो रहा है कि आर्ग्यूमेंट ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये फीलिंग आ रही है मुझे इस एडिट से, इसीलिए ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट सीन है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ और मैं ये बोलता रहूंगा। हो गया, कितना हुआ? अब इस बुरे वक्त पे जो ठीक लगे। साले एक थप्पड़ तेरे को भी पड़ेगा। बस करो आप यार, फोन मत कर अपना। अरे डैड फोन आपका बज रहा है यार। मुझे मालूम है मेरा फोन है, बहरा नहीं हूं मैं। सबने गधा समझ रखा मुझे। अरे मैंने आपको गधा का बोला डैड? गधा तो मैं हूं यार, जब से घर पे आया मुझे कोई बता ही नहीं रहा क्या हो रहा है, पड़ोसी का हूं क्या मैं? अरे राहुल सर कजिन भी आते हुए हां, घर की कोई बात होती है मुझे आदमी मिल जाती है। दादू हॉस्पिटल के पहले राहुल को फोन करते, मुझे नहीं भाई, क्योंकि तू हमेशा बच्चों की तरह रिएक्ट करता है। अरे इधर शट अप मेरा राहुल, यू शट अप। अरे धीरे बोलो यार, करोड़ों का मारा ना अपने उस बकवास बॉलीवुड ब्लॉग से, तो लगा दे इस घर पे फोन अपने। म्यूजिक नोटिस किया, जैसे ही उन दोनों भाइयों का आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ, एक म्यूजिक भी आने लगा धीरे से। मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ। तू हमेशा बच्चों की तरह रिएक्ट करता है। अरे इधर शट अप मेरा राहुल, यू शट अप। अरे धीरे बोलो यार, करोड़ों का मारा ना अपने उस बकवास बॉलीवुड ब्लॉग से, तो लगा दे इस घर पे फोन। मैं इस सीन को जब भी देखता हूँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको भी फिल्म एडिटिंग में जाना है तो ऐसे सीन प्लीज देखो, प्लीज देखो यार, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको भी। अब अगला जो मेरा सीन है फेवरेट, आई एम श्योर आपने स्वदेश देखी होगी। इसमें क्या है, एक एंटिसिपेशन बिल्ड होती है कि टेंशन कैसे बिल्ड करते हैं एक सीन में, वो इसमें दिखाया गया। 2-3 बातें बताऊंगा इसमें, पहले हम सीन देख लेते हैं। मेरा नाम पानी छोड़ो। ओके सर। इवान जी, बैल खोलिए। जी मोनो। आहिस्ता। ये सेटअप हो रहा है अभी। म्यूजिक नोटिस कर रहे हो, एक एंटिसिपेशन वाला, एक टेंशन वाला धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर डायलॉग्स कम होते जाएंगे और रिएक्शंस और ये जो शॉट्स हैं बीच बीच में विदाउट डायलॉग्स, ये काफी ज्यादा आने वाले हैं। अरे
अभी तो सीन बिल्ड हो रहा है, अभी टेंशन शुरू हुई नहीं होती, अभी सिर्फ एक क्यूरियोसिटी है अभी सीन में, वो झलक रही है, वो आ रही है, अभी एंटिसिपेशन शुरू भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ क्यूरियोसिटी है कि वर्क करेगा या नहीं करेगा। जैसे जैसे ये क्लोजअप क्लोज और होता जा रहा है, अब टेंशन आ रही है, अब एंटिसिपेशन आ रहा है, अब ये बढ़ रहा है धीरे धीरे, और म्यूजिक भी हल्का सा तेज हो गया है। जैसे उसने बोला 230 पे बिजली पैदा होगी, मीटर वाला शॉट आ गया। क्या एक्टर है यार शाहरुख यार। अब सबकी नजरें टिकी हैं कि 230 पहुंचेगा बिजली, आएगी या नहीं आएगी। ये देख रहे हो हम कितने क्लोज चले गए यहाँ पर शाहरुख खान का, अगर आप पहले देखोगे और इस मीटर का तो उतना क्लोजअप नहीं था, अब शाहरुख का भी कितना क्लोज है कि वो कितना एक्साइटेड है कि हो जाए, और यहाँ पर मीटर का भी काफी क्लोज हो गया है। तो मतलब अगर हमको ज्यादा टेंशन दिखानी है तो हमें वाइट से फिर क्लोजअप पे जाना पड़ेगा, हमें ट्रांजिशन लेना पड़ेगा, जितना हम क्लोज जाएंगे उतनी ही टेंशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो ऑडियंस का एक व्यू है वो फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि बस उनको क्लोजअप में सिर्फ इतनी ही चीज दिख रही है सामने। अब थोड़ी सी निराशा हो रही है कि अटक गई है ना, सो ये वो बढ़ नहीं रही है। म्यूजिक में आपने नोटिस किया कितना बढ़िया ट्रांजिशन आया है कि हाँ उम्मीदों पे पानी फिर गया, तो वो नीचे आ रहा है। इस पूरे सीन से रिलेटेड एक बहुत कॉमन फिल्म मेकिंग एडिटिंग की टेक्निक है जो हमेशा ही हर फिल्म में यूज होती है इस तरीके के सीन में, वो मैं इस सीन को कंप्लीट करने के बाद आपको बताऊंगा और अच्छे से समझ में आएगी आपको। निवारण जी, जी बैल पूरा खुला है ना? जी मोनो। धीरे धीरे उन सारी चीजों के शॉट दिखा रहे हैं जो हमें शुरू में दिखाए थे, जो भर रहे थे पानी से स्टार्ट हो रहे थे, वो धीरे धीरे सब बैक टू द पोजीशन जा रहे हैं, वो शायद काम करना बंद कर दिया मशीन ने। म्यूजिक देखा, हल्का सा ड्रामेटिक म्यूजिक आ गया है। अब सब ये सोच रहे हैं होगा क्या, अटक गया, मशीन खराब हो गई, सही होगी या नहीं होगी। ये ऑडियंस के दिमाग में भी, जो पहली बार देख रहे होंगे सीन को, दिमाग में ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे। जब एक ऑडियंस के दिमाग में ये आ जाए कि अब क्या होगा, अब ये ठीक होगा, मर गया एक्टर, जिंदा होगा या नहीं होगा, या फिर इतने लोगों ने इसको घेर लिया है तो ये इनसे लड़ेगा, जिंदा बचेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आना। वाल्व पूरा खुला है तो प्रेशर क्यों नहीं आ रहा? शाहरुख ही है यार। म्यूजिक चेंज हो गया, ये थर्ड टाइम म्यूजिक चेंज हुआ है। फिर से पानी आने लगा। गीता, प्रेशर बढ़ा। हाँ। शाहरुख की है।
नहीं मुझे सीन भी पसंद है ये फिल्म का, मतलब मैं शाहरुख बार बार बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे शाहरुख खान पसंद है इसीलिए मैं सीन मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं भाई शाहरुख तो पसंद है ही मुझे ऑब्वियसली, लेकिन हाँ सीन भी अच्छा है। अब 230 पे बिजली जाएगी या नहीं? 800 सर। गांव वाले भी आ गए, सब लोग देख रहे हैं। और अब यहाँ पर देखना आप जो शॉर्ट्स की ड्यूरेशन है वो मतलब कम हो जाएगी, अब यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी कट्स आने वाले हैं, जैसे कि आप अभी देखना यहाँ पर ये आपने देखा इसमें कितनी जल्दी जल्दी शॉर्ट्स आ रहे थे, मतलब एक स्लो शॉट के बाद अगर बहुत तेजी तेजी शॉर्ट्स आ रहे हैं तो यही एक टेंशन बिल्ड कर देते हैं, फिर एक स्लो शॉट, अब इसके बाद फिर फास्ट शॉट्स आएंगे। एंटीसिपेशन, सबकी नजरें टिकी है। आएगी बिजली, सबर करो मुनि सर, सबर करो। फिर से फास्ट कटिंग, बैक टू बैक शॉट्स, ध्यान दो, हो गया। हाँ सारे ही शॉट्स डाल दिए, वाइड क्लोजअप मीडियम सारे, पहुंच गई सोई। काइंड ऑफ एक ठीक ठाक सी जी आई बिजली के करंट वाला, बट वो यहाँ पर वर्क करता है तो उस पर ध्यान देने की इतनी जरूरत नहीं है। तो इस सीन से हमारी क्या लर्निंग है, ये सीन मैंने आपको इसलिए दिखाया, मेरा फेवरेट तो है कि एक सीन में टेंशन कैसे बिल्ड करते हैं। अब आपने जितनी भी इस तरीके की मूवीज देखी होंगी, वॉर मूवीज हो गई, देश को बचाने वाली मूवीज हो गई, एक्टर अगर कोई भी चीज कर रहा है तो वो पहली बार में ठीक नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी बिल्डिंग पे कूदने की कोशिश कर रहा है तो पहली बार में शायद नहीं कूद पाएगा, दूसरी बार में नहीं कूद पाएगा, तीसरी बार में कूद जाएगा। तो ये 1-2-3 की टेक्निक होती है कि पहली बार में काम नहीं होगा, दूसरी बार में भी नहीं होगा, बट तीसरी बार में हो जाता है, क्योंकि अगर पहली बार में ही हो जाएगा तो फिर ऑडियंस को मजा नहीं आएगा, वो एक मोनोटोनस हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर पहली बार में ही बिजली आ जाती तो वो सीन को देखने में मजा नहीं आता, वो स्टोरी टेलिंग का वो एक फुलफिलमेंट नहीं होता, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हमें उन लोगों की कामयाबी देखना पसंद है जो स्ट्रगल से कामयाब हुए, हमें उन लोगों की कामयाबी देखना पसंद नहीं है जो आराम से कामयाब हो गए। चलो अगला सीन देख लेते हैं, ये थोड़ा लंबा सीन है, अटैक का है, ये अटैक लेटेस्ट ही फिल्म थी अभी आई थी। इसका फाइट सीन मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसके फाइट सीन में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है कि स्पीड रैंपिंग के साथ साथ जो एक एक्शन पूरा नहीं हो पा रहा है उसके बाद दूसरा एक्शन आ जा रहा है, वो जो फाइट का इसमें तरीका यूज किया एडिटिंग का वो मुझे काफी प्यारा लगा। आप अभी देखोगे फाइटिंग सीन तो समझ जाओगे। एक्टिवेटिंग कॉम्बैट मोड। ये कट देखा कितना प्यारा कट है, मतलब आप ये फिर से देखो, मतलब पंच मारते हुए दिखाया नहीं गया है, बस उसको फिस्ट बनाते दिखाया गया है और फिर एकदम से उसका उड़ने का शॉट आ गया है। बेस्ट कट है ये इस पूरे फाइटिंग सीक्वेंस का। अब तू बोल मत, बस देखती जा। ये मैं इसकी बात कर रहा था, देखो उसको मतलब इसमें फास्ट कटिंग कर दी है, देखो फिर से देखो, ये फिर से देखो, ये मुक्का मारा, मतलब एक स्पीड रैंपिंग टाइप किया है लेकिन बहुत प्यारा, इसकी फाइट सीक्वेंस बहुत प्यारा है। यार खाली हम हॉलीवुड को प्रेस करते रहते हैं, उनका ये अच्छा था वो अच्छा था, यार हमारा अटैक का फाइट सीक्वेंस देखो कितना प्यारा कोरियोग्राफ किया गया है, कितनी बढ़िया एडिटिंग की गई है और कितनी अच्छे से उसको सिनेमेटोग्राफर ने शूट किया है। यार हमें अपना कंटेंट भी एक तरीके से अप्रिशिएट करना चाहिए, एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हैं ना, हम उस लेवल पर भी पहुंच जाएंगे। ये अगर आपको नॉर्मल फाइट सीन लग रहा है ना कि अरे नॉर्मली तो है, तो शायद आप एक एडिटर की नजर से नहीं देख रहे हो, जिस नजर से मैं देख रहा हूँ एज एन एडिटर उस नजर से देखो, एक मुक्का पड़ रहा है, लात पड़ रही है, पटकी दे रहा है, तो वो पूरा नहीं दिखाया जा रहा है, उसमें जंप कट्स डाले हैं और उसको म्यूजिक के साथ स्पीड रैंपिंग थोड़ी सी की है, थोड़ी सी स्पीड कम की है, कहीं स्पीड ज्यादा की है शॉट की, और वो पूरा एक जो मिश्रण बन रहा है पूरे सीक्वेंस का वो प्यारा लग रहा है देखने में।
ये भी देखो, ये भी देखो, यहाँ पर भी कितनी फास्ट कटिंग की गई। एक सिंपल ही चीज दिखाई है कि वो उसको जो भी डोरी है वो लपेट रहा है। ओ भाई बढ़िया। यहाँ पर ये करना भी जरूरी था क्योंकि एक मोनोटोनस फाइट बहुत देर से चल रही थी, पॉज आना जरूरी था। अब मैंने सीन अभी तक पूरा देखा नहीं है, मैंने फिल्म देखी थी, मैं भूल चुका हूँ, तो अब मुझे लग रहा है कि इसके बाद से फिर से ये सीन और फाइटिंग सीन उठेगा। उठेगा उठेगा, मुझे लग रहा है उठेगा, सीन उठेगा। क्या लगता है आपको? गलत कैसे हो सकते हैं आपके मन भाई? देखा आपने, मतलब इसमें जो फाइटिंग सीन्स थे, जिस तरीके से उसको कोरियोग्राफ किया गया था और बेसिकली उसको एडिट किया गया है, वो मुझे यहाँ पर यूनिक लगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया था। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ नया लगा हो, कुछ भी आपको लगा हो, तो इस वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। इस वीडियो का पार्ट 2 भी कुछ ही दिनों में आने वाला है, जहां पर मैं हॉलीवुड के सीन्स पर रिएक्ट कर रहा हूं। अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड अमन आउट।